नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म के आरोप से दस्तक से आपको आगाह करना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं जुर्म के खाली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। महज 5 दिन, 120 घंटे और एक लाश। जी हां, दिल और दिमाग को झंझोर देने वाली दास्तान राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां 10 फरवरी की सुबह एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई। लेकिन 5 दिनों के बाद जब उस घिनौनी सच्चाई से सामना हुआ तो परिवार का कलेजा रो पड़ा। आप भी देखिए। तारीख 10 फरवरी 2016, दिन बुधवार, राजधानी लखनऊ। 10 फरवरी की सुबह उन्नति घर से निकली। उन्नति प्रैक्टिकल एग्जाम देने गई। इंदिरा नगर के आरबीएल स्कूल की छात्रा थी उन्नति। स्कूल प्रशासन ने परिवार से साधा संपर्क। बेटी की गुमशुदगी से वाकिफ हुआ परिवार। 10 फरवरी की देर शाम तक नहीं पहुंची छात्रा। जानकीपुरम थाने में दी गई गुमशुदगी की तहरीर। जानकीपुरम पुलिस ने दिए कोरे आश्वासन। लड़की 10 तारीख को अपने घर से अपना फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने के लिए, 12वीं क्लास में थी रानी लक्ष्मी बाई, प्रैक्टिकल देने के लिए निकली थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंची प्रैक्टिकल देने के लिए। तो उनके क्लास टीचर ने इनके फादर को फोन किया कि क्या बात है, लड़की आज एग्जाम देने नहीं आई है। ये लोग वहाँ भाग के गए, इन्होंने काफ़ी तलाशा और 5 बजे के आसपास इन्होंने जानकीपुरम थाने को बताया कि भाई हमारी लड़की इस तरह से गई थी और वो वहाँ पहुँची नहीं, और उसके पास ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल को ट्रैक किया जाता रहा तो मोबाइल की लास्ट लोकेशन करीब 9 बजे के आसपास पार्क रोड की निकली थी। मास्टर कंट्रोल रूम में CCTV की जो फुटेज निकले उससे भी ये पता लगा कि वो साइकिल से कपूरथला तक, कपूरथला के बाद वो पार्क रोड में उसकी लास्ट फुटेज निकली। जानकीपुरम इलाके की रहने वाली 16 साल की 12वीं क्लास की छात्रा उन्नति की कोई खबर नहीं मिल रही थी। परिवार की परेशानी लाजमी थी। पीड़ित परिवार समझ नहीं पा रहा था कि अगर बेटी उन्नति प्रैक्टिकल देने गई थी तो स्कूल कूल क्यों नहीं पहुंची। इस हालात में पीड़ित परिवार के गुजरते वक्त के साथ बेसब्री बढ़ रही थी, लेकिन बेटी उन्नति की कोई खबर नहीं मिल रही थी। 10 फरवरी की रात ढली, 11 फरवरी 2016 की ने दस्तक दी और उसी दिन स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से पीड़ित परिवार का रो रो कर हाल बेहाल था, लेकिन गायब हो चुकी उन्नति को बरामद करने में राजधानी पुलिस नाकाम थी। देखते देखते 5 दिन गुजर गए और उस सच सामना हुआ जहां सर्विलांस के जरिए राजधानी पुलिस को एक ठोस सुराग मिला। उसका मोबाइल फोन हैदरगढ़ में चलता हुआ मिला। एक टीम यहां से गई और उसने हैदरगढ़ से वो मोबाइल फोन बरामद किया, महिला के पास था। उससे पूछा गया कहाँ से आया है, किसने कहा मेरे पति ने लखनऊ से भिजवाया था। यहाँ उसके पति को उठाया गया, कल रिक्शा चालक है, 2 रिक्शा चालक जो उसके चिड़ियाघर के पार्क रोड वाले गेट के बगल में जो जंगले से बने हुए हैं वहीं पर दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में वहीं सोते हैं और सुबह वहीं से किनारे शौच के लिए नाले के किनारे किनारे जाते हैं। छात्रा उन्नति के मोबाइल का सिम कार्ड निकाला जा चुका था, लेकिन उसका मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके IP नंबर को ट्रेस करते हुए 14 फरवरी की शाम पुलिस उस रिक्शे वाले के घर जा पहुंची, जहां मोबाइल को रिक्शा चालक सुरेंद्र की बीवी इस्तेमाल कर रही थी। उन्नति का मोबाइल रिकवर करते हुए रिक्शा चालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसी की निशानदेही पर 15 फरवरी 2016 की सुबह यानी 5 दिनों बाद उस मौका वारदात का रुख किया गया जहां खूनी सच को छिपाया गया था। यह है मुख्यमंत्री आवास से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित हजरतगंज से सटा पार्क रोड का जंगल, जहां संदिग्ध हालत में एक लाश पड़ी मिली, जिसकी पहचान पर मुहर लगाते हुए पीड़ित परिवार तड़प कर रह गया। लाश उन्नति की थी और तन पर सूत का एक धागा तक नहीं था। शुरुआती तफ्तीश के दौरान इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया
कि उन्नति पहले हैवानियत का निवाला बनी, फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसे कातिल ने सुसाइड का रंग देने की कोशिश की। 11 तारीख की सुबह करीबन 8:15 बजे के आसपास वो दोनों वहाँ शौच के लिए गए थे। उन्होंने एक लड़की को पेड़ पर लटके हुए देखा, ये उनका कहना है। और उसके बाद उसको हम लोगों ने जब ये सोच के कि जिंदा है उतारा तो वो मरी हुई थी, लेकिन उसका कोट जो स्कूल का कोट जो ब्लेजर है, ब्लेजर और उसमें रखा हुआ 10 रुपये जैसा वो लोग बता रहे हैं वो, और मोबाइल ये उन लोगों ने निकाल लिया, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई चलो ठीक है तुम डर गए, ये साले क्यों उतार लिया तुमने। यानी 10 से 11 तारीख के बीच में ही उन्नति किसी साजिश का शिकार हुई और उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। रिक्शा चालक की माने तो रोजमर्रा की तरह वो 11 तारीख की अहले सुबह पार्क रोड के जंगल में शौच के लिए गया था, जहां छात्रा उन्नति की लाश फांसी के फंदे से झूल रही थी। लेकिन इस दरमियान छात्रा उन्नति की ना तो साइकिल मिली और ना ही उसका स्कूली बैग। उसी समय छात्रा उन्नति की लाश को रिक्शा चालक ने नीचे उतारा और उसका मोबाइल जेब से निकाल मौके से भाग गया। बाकी जानकारी उनके घर पे फिर से दबिश भेजी गई है कि उससे और कोई जानकारी मिल जाए, इतना तो उन्होंने बताया है। और उनके बताने से नहीं ये पुष्ट भी हो गया, क्योंकि वो कोर्ट और वो उसने अपने घर पे भेजा था जो उसकी पत्नी के पास है। कोर्ट की रिकवरी के लिए भी टीम भेजी गई, साइकिल और बैग। ये उनका तो ये कहना था, हम लोग आए तो ये लटकी हुई थी यहाँ पर, उन्हीं लोगों ने उतारा रिक्शा। यहाँ से शुरू हुई पुलिस की शुरुआती कार्रवाई के दौरान जुटाए गए सुराग और सबूत को खंगालने की पहल, कि जिस दिन छात्रा उन्नति लापता हुई थी वो राजधानी लखनऊ के किन किन इलाकों में देखी गई। सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि हुई कि छात्रा उन्नति अलीगढ़ में साइकिल पर सवार दिखी और उसकी दूसरी लोकेशन हजरतगंज में मिली, लेकिन उसके बाद वो कहीं नहीं दिखी। इस दरमियान छात्रा उन्नति के साथ कोई नहीं था, लेकिन हाँ, जब पुलिस ने छात्रा उन्नति के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड को खंगालने की पहल छेड़ी तो एक व्हाट्सएप नंबर को संदेह के घेरे में लिया गया, जहां वारदात वाले दिन छात्रा के साथ संदिग्ध नंबर से संपर्क बना हुआ था। तो सवाल सुलगे कि आखिर इस वारदात छात्रा की मौत का व्हाट्सएप कनेक्शन क्या है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, उससे पहले फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया, उनको 9 बजे उनके घर वालों को पता लगा कि वो एग्जाम देने नहीं आई है, तो गए वहाँ प्रिंसिपल से मिले, टीचर से मिले, बच्चों से मिले कि हाँ आई थी कि नहीं आई थी। उन्होंने उनके कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देखा कि ऐसा तो नहीं भीतर आए कि लोग झूठ बता रहे हों, तो उन्होंने और साथ साथ एसओ स्वयं हर जगह एसओ स्वयं इनके साथ भी गया। अगले दिन भी वो और वो एसओ हमारा दोनों पूरा दिन ये लोग मास्टर कंट्रोल रूम में उसको पहचानने के लिए उनके पादर ही थे, उन्होंने पहचाना कि हाँ ये है साइकिल से जा रही है, ये साइकिल से जा रही है, ये साइकिल से, हर जगह अकेली ही थी। पीएम रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि छात्रा उन्नति को हैवानियत का निवाला बनाया गया, जिसमें एक से ज्यादा लोगों की संख्या रही होगी, क्योंकि इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने में किसी एक के बस की बात नहीं। लेकिन रिक्शा चालक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है कि कहीं रिक्शा चालक ने भी तो कोई नापाक हरकत नहीं दोहराई। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि 120 घंटे गुजरने के बाद राजधानी पुलिस विफल थी तो गलत न होगा। पुलिस अगर चाहती तो वारदात वाली रात ही उन्नति को ढूंढने की पहल छेड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नाकाम हो चुकी पुलिस के सामने कई सवाल हैं, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं कि आखिर इस दरिंदगी का मास्टरमाइंड कौन है और कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। आर के पार लखनऊ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक थप्पड़ की सजा मौत। जी हां, एक थप्पड़ की सजा मौत। उस घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उस खुशी के मौके पर एक शख्स का दिल उस इंतकाम की आग में जल रहा था जिसे एक मौके की तलाश थी। और जब वो घड़ी आई तो बीच सभा में एक गोली चली जो एक बेगुनाह के जिस्म को चीरती हुई दाखिल हुई और हर तरफ कोहराम मच गया। आप भी देखिए।
15 फरवरी 2016 की देर शाम एक अनहोनी से इस परिवार का सामना हुआ तो खुशी से भरा परिवार मातम मनाने पर मजबूर हो गया। जिला अस्पताल पहुंचे इस बदकिस्मत परिवार की यही कोशिश है कि इनका लगते जिगर नौजवान बेटा जन्मेश्वर की जान बचा ली जाए। जिसे देखो वही तड़प रहा है, महिलाओं का रो रो कर हाल बेहाल है। बेटी जन्मेश्वर को गोली लगी, अस्पताल परिभीतर मौजूद हर शख्स यही दुआ कर रहा है कि उनकी कोशिश जाया ना साबित हो, डॉक्टरों की कोशिश रंग लाए, जन्मेश्वर की जान बचा ली जाए। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने अपना आखिरी बयान दिया इस परिवार की चीख निकल गई, हर कोई छाती पीट पीट कर रोने लगा। अफसोस ना तो किसी की दुआओं का असर हुआ, ना ही डॉक्टरी इलाज का कोई सुकून भरा नतीजा निकला। जख्मी जन्मेश्वर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकर हैरान रह जाएंगे कि जन्मेश्वर की किस लिए हत्या की गई, किस लिए इस परिवार से जन्मेश्वर को जुदा किया गया। सिर्फ एक थप्पड़ मारना जन्मेश्वर को भारी पड़ गया। जिस नसीहत के तौर पर जन्मेश्वर ने शेर सिंह को थप्पड़ मारा था, वहाँ शेर सिंह बदले की आग में जल रहा था। उसका मकसद एकमात्र यही था कि थप्पड़ का बदला पूरा कर सके। इसी सनक में शेर सिंह ने कातिलाना इरादा पाल जन्मेश्वर के परिवार के सामने खूनी खेल खेला। सनक की गोली जन्मेश्वर के जिस्म में उतार बदले की आंच बुझाई। छोटे भाई का लड़का है, बड़ा लड़का है, छोटे भाई का भतीजा है मेरा, और ये लड़का सूरजपुर में रहता था, ग्रेटर नोएडा। इस लड़के ने जब ये अपने यहाँ चुनाव था जिस दिन 5 तारीख को, उस दिन इस लड़के को लपड़ झपड़ किया था, समझाने के तौर पर गार्जियनशिप में। जो कुछ होशियार आदमी होता है वो छोटे बच्चों में कुछ हाथ चला ही देता है। आज क्या घटना हुई? आज घटना गोली मार दी है उसी लड़के ने जिसको उसने थप्पड़ लपड़ किए थे 5 तारीख को चुनाव के दिन। उस लड़के ने आज 250 आदमी के बीच में भोजन करते हुए उस लड़के को गोली मारी। अब से 3 महीने पहले ग्रेटर नोएडा से हमीरपुर पहुंचे जन्मेश्वर को क्या पता था कि जिस शेर सिंह की गलती की सजा उसने दी, वहाँ मामूली बात पर खुद से बड़े जन्मेश्वर के थप्पड़ को वो कभी नहीं भुला पाएगा। इलेक्शन के दौरान शेर सिंह ने बदतमीजी की थी और इस बदतमीजी को जन्मेश्वर ने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि शेर सिंह के बाज न आने की स्थिति में थप्पड़ मार दिया था। लेकिन उस वक्त तो शेर सिंह खामोश रहा, मगर भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रहा था, और उस इंतकाम की आंच बुझाने के लिए शेर सिंह ने खूनी इरादा पाल लिया। साजिश के तहत हुआ है, उसको समझाने के तौर पर 2-3 महीना पहले कुछ समझाया था, एक आध थप्पड़ मार दिए थे, लेकिन वो अकेला गलती भी नहीं कर सकता है। उसका और है जो एक राम प्रकाश है उसका चाचा, और दूसरा एक सीबी सिंह है जो लॉयर है, जो धमकी देता है कि वास्तविकता में लखनऊ में है, वास्तविकता में धमकी देता है कि मतलब कहने की मैं सब कुछ देख लूंगा। अब उन्होंने गोली मारी, अब क्या किया जाए। शेर सिंह ने गोली मारी है, सीबी सिंह है जो लॉयर है, जो धमकी देता है कि वास्तविकता में लखनऊ में है, वास्तविकता में धमकी देता है कि मतलब कहने की मैं सब कुछ देख लूंगा। अब उन्होंने गोली मारी, अब क्या किया जाए। शेर सिंह ने गोली मारी है। कातिल शेर सिंह को एक मौके की तलाश थी, बस वक्त थोड़ा गुजर गया था, तारीख बदली थी और बारिश शेर सिंह की थी, जिसने ऐसे मौके पर जन्मेश्वर के घर पर दस्तक दी जब पूरा परिवार जन्मेश्वर के चचेरे भाई के तिलक में शिरकत कर रहा था। हर तरफ खुशियां बांटी जा रही थी, हर शख्स तिलक के मौके पर दावत का लुत्फ उठा रहा था, लेकिन इस भीड़ में मैं हथियार मौजूद शेर सिंह की आंखें जन्मेश्वर को तलाश रही थी। और जैसे ही शेर सिंह की नजर जन्मेश्वर पर पड़ी, एक गोली चली और जब बंदूक से निकले बारूद का गुबार छटा तो जमीन पर इढाल खून से सना पड़ा जन्मेश्वर जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, और सामने खड़ा मिला कातिल शेर सिंह, जिसे पकड़ने की एक अदद कोशिश हर शख्स की जाया साबित हुई। तो वहाँ पे शाम को लगभग 9:30 बजे आसपास हम लोग को सूचना मिला, वहाँ पे एक लड़का है, उनका सचेरा भाई ने एक आदमी के गोली मार दिया, और उसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंचा था। वो आदमी को तुरंत हॉस्पिटल ले आया गया था, हॉस्पिटल ले आने के बाद डॉक्टर साहब ने उसका मृत घोषित किया, और अभी उनके परिवार लोग से हमने बात कराया और उन लोग तारीफ दे रहे हैं वो लड़का को ऊपर। उन लोग पहले कुछ 2-3 महीने पहले कुछ लड़ाई हुआ था, उसके लेके उन्हें रंजिश रखी, उन्हें मारा कारा इन लोग, और हम लोग तुरंत जल्दी से जल्दी उस लड़का का जल्दी पकड़ेंगे और उनके जेल भेजेंगे। और अभी टीम गठित कर ले, एसओ और दो थाना के एसओ भी भेज दिए थाना पर, वहाँ जाके तुरंत जल्दी से जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए।
सर घटना में कितने लोग शामिल है? उस पर तो उन लोग सभी लोग कर रहे हैं, वो घर पे वहाँ तिला का तो है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के मामला भी है, वो कारण के वो पकड़ने के बाद पता चलेगी। परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात का तसव्वुर नहीं था कि उनकी आंखों के सामने शेर सिंह खूनी खेल खेलेगा, लेकिन क्या पता था कि इस तरह थप्पड़ की सजा मौत देगा। आज इस बात को सोच सोच कर परिवार का रो रो कर हाल बेहाल है। कोई कैसे इतनी मामूली बात पर मर्डर कर सकता है? लेकिन शेर सिंह के लिए मामूली बात नहीं थी, वो तो उस खूनी अदावत की आग में जल रहा था जिसे जन्मेश्वर की जिंदगी चुभ रही थी। आज मौके पर मौजूद पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है और इसमें कोई शक नहीं कि शेर सिंह ने अपराध किया है तो पुलिस से बच निकलेगा। लेकिन क्या इस परिवार का बिछड़ चुका जन्मेश्वर लौटेगा? कभी नहीं। लेकिन जब जन्मेश्वर के मौत पर सवाल सुलगेंगे तो जमाना यही कहेगा कि थप्पड़ ने शेर सिंह को कातिल बना दिया। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर, समाचार प्लस। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि जिस घर में भी उनकी बेटी जाए उस घर में उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनकी लाड़ली जिंदगी भर खुश रहे। लेकिन सीतापुर की उस बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हैवानियत पर आतुर ससुराल पक्ष ने ऐसी खूनी कहानी लिखी कि एक जिंदगी हलाक हो गई। आप भी देखिए। दुल्हन के लिबास में नजर आ रही बरेली की रहने वाली रोली गुप्ता अब से 9 साल पहले यानी साल 2007 सीतापुर के रहने वाले दीपक गुप्ता की धर्मपत्नी बनी। शादी के बाद रोली गुप्ता दो बच्चों की मां बनी, लेकिन कुछ सालों बाद रोली गुप्ता की खुशियों पर न जाने किसकी नजर लगी, ये परिवार रोने पर मजबूर हो गया। कितनी हसरतों से इस परिवार ने अपनी बेटी रोली की शादी की थी। सोचा क्या था और हो क्या गया? बिलखता परिवार यही सोच सोच कर रोए जा रहा है कि इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई थी। दानो दामाद ने बेटी की जान ले ली। जी हाँ, आज रोली गुप्ता इस जहाँ से रुखसत हो चुकी है। रोली की बेवक्त मौत के मलाल परिवार मातम मना रहा है। माँ बहन रिश्तेदार हर शख्स गमजदा है। भला क्या गलती थी बेटी रोली की जिसकी जिंदगी छीन ली। शादी करवाई, उसके बाद में थोड़े टाइम तो ठीक रहा, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया था। कभी पैसों की, कभी पैसों की, कभी किसी चीज की खूब डिमांड करते थे। उनकी जहाँ तक हम पूरी करने की कोशिश भी करते थे, जबकि शादी में अच्छा खासा दहेज दिया गया था ऑलरेडी। हैसियत से बढ़कर इस परिवार ने रोली की शादी में पैसा खर्च किया था। दीपक की हर मांग पूरी की गई थी। ससुराल पक्ष ने जो कुछ मांगा वो खुशी खुशी दिया गया, लेकिन परिवार भूल गया कि जिन लोगों के साथ वो अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं वहाँ दहेज लोभी ससुराल पक्ष की दहेज की भूख कभी नहीं खत्म होगी। एक आइटेन कार, 25 तोले सोने के जेवर, 20 लाख रुपए नकद लेने के बाद ससुराल पक्ष दहेज की मांग करने लगा, और जब रोली ने इसका विरोध किया तो पति दीपक समेत ससुराल पक्ष सितम करने पर आतुर हो। उनके याद में उनकी कोई वजह नहीं होती थी। जब मन करता था वो तब मारते थे, वो घर में घुसते थे मारते थे वो उनको। मारने के बाद में अगर वो कुछ बोल दे तो तुम सॉरी बोलो, तुम पैर छुओ, तुम मेरी भाभी के पैर छुओ, तुम मेरी मम्मी के पैर छुओ। दो बच्चों के होने के बाद भी दहेज लोभी परिवार की जातियां कम नहीं हुई, बल्कि रोली पर सितम की इंतहा पार कर दी गई। बेबस लाचार रोली अपने ससुराल पक्ष की हर जिद को पूरी करने लगी। पति दीपक शराब की खुमारी में रोली की पिटाई करता, शराब के पैक बनवाता, शराब की खुमारी में जलती सिगरेट से दागता। पति दीपक की मनमानियों से आजीज आ चुकी रोली खामोश होकर वो सब कुछ सहती जिसका तसव्वुर कभी सपने में भी नहीं किया था। मेरी दीदी ने कभी शराब, मैं पूरे घर में कोई शराब नहीं पीता, वो उनके लिए पैक बना के देती थी। पैक गलत बन गया थप्पड़ मारते थे उठा के। मेरी दीदी ने कभी नॉनवेज नहीं खाया, वो उनसे उनकी हड्डियां उठवा देते थे बचने के बाद। यहाँ पे उनके पता नहीं क्या घुसेड़ा गया, क्या लगाया गया, पूरे में ब्लड का क्लॉट बना हुआ था बहुत, और ब्लड निकल रहा था। आंखों के पूरी आंख काली हो रखी थी, पूरे मुंह पे जले हुए धब्बे हो रखे थे, कान पर नीला हो रखा था। किसकी मौत के लिए उनके ससुराल वाले जिम्मेदार है, साथ में पुलिस भी जिम्मेदार है। खुद के साथ हो रही नाइंसाफी की दास्तान रोली ने अपने परिवार से सुना है। परिवार से जो बन पड़ा वो परिवार पूरा करता रहा, जबकि दीपक अकूत दौलत का मालिक था। दीपक के पास 3 पेट्रोल पंप, ईंट भट्ठे के कारोबार, ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, फिर भी वो बीवी रोली से मारपीट करता, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े शौहर दीपक का शगल बन गया। रोली गुप्ता नाम की एक शादीशुदा महिला की हत्या हुई है,
जिसमें उनके परिवारीजन जो बहेड़ी बरेली के रहने वाले हैं उन्होंने आकर के बिस्वा थाने में ससुराली जनों के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया है। सीओ बिस्वा इसी इतना कर रहे हैं, इसके बारे में गहराई से छानबीन विवेचना से ही ये बात स्पष्ट होगी। अभी तो परिवारी जन जो आरोप लगा रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और दहेज हत्या गंभीर धारा है, इसके तहत सारी चीजें जो है कवर हो जाती हैं और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला पुलिस के संज्ञान में, पुलिस ने इस पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि जिन्होंने एक बेटे की जिंदगी छीनी है उनके खिलाफ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। सब कुछ होते भला कोई कैसे किसी बेटी को दहेज के लिए हलाक कर सकता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब नियत में ही खोट तो चाहे कितनी ही दौलत क्यों न हो, इंसान पैसे की भूख रिश्तों का दुश्मन बन जाता है और इसी सनक में वो दरकते रिश्तों की वो खूनी कहानी करता है जिसका सामना कर एक बेटी का परिवार जिंदगी भर तड़पने पर मजबूर हो जाता है। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए और जुर्म की हर उस आहट को सुनिए जो कभी भी आपके दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।